1920 से सेवा कार्यरत नागपुर का गहना इस उपाधि से अलंकृत रोकड़े ज्वेलर्स सदैव ही अपने प्रिय ग्राहकों की सेवा में तत्पर रहता है। परंपरा, संस्कृति और विश्वास की अमिट छाप और आप सभी के साथ और मां महालक्ष्मी जगदम्बा के आशीर्वाद से रोकड़े ज्वेलर्स अपनी शाखा का विस्तार करते हुए इस मंगलमय नव वर्ष की सौगात लेते हुए कुराड़ी नागपुर और विदर्भ वासियों के लिए लेकर आए हैं, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान राजेश रोकड़े द्वारा दी गई है। 13 जनवरी को इस प्रतिष्ठान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों होगा। इस दौरान चंद्रशेखर बावनकुड़े अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रमुख उपस्थिति, टेकचंद जे सावरकर आमदार कामटी मोदा विधानसभा, साथ ही इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक और अतिथिगण उपस्थित रहेंगे। शहर के सराफा प्रतिष्ठान में एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर प्रिय ग्राहकों, नागपुर वासियों और स्नेही स्वजनों का स्नेह, सहयोग सदैव रोकड़े ज्वेलर्स की पारंपरिक धरोहर को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिला है। हमारे इस स्वर्णिम अनुबंध के लिए मनपूर्वक आभारी हैं। माता महालक्ष्मी जगदम्बा की अनुकंपा से माता के गर्भगृह स्थित गुम्बद, तलवार, त्रिशूल, चरण पादुका और माता के श्रृंगार आभूषण और पूजा अर्चना सामग्री निर्माण का सौभाग्य रोकड़े ज्वेलर्स को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है। इस सम्मान और आशीर्वाद से पांचवी पीढ़ी के पदार्पण और रोकड़े ज्वेलर्स की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ते हुए अपने पांचवें प्रतिष्ठान का शुभारंभ करने जा रहा है। कोराडी स्थित इस शाखा का निर्माण 2000 स्क्वायर फीट में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ रमणीय सुंदर वास्तुशिल्प स्थापित है। साथ ही नियोजित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पारंपरिक भारतीय संस्कृति और आधुनिक कलाकारी में डिजाइन किए गए सभी आभूषणों की विशाल कलेक्शन प्रस्तुत किए गए हैं, जो सोने, चांदी, डायमंड, प्लैटिनम जैसे मूल्यवान धातुओं में उपलब्ध है। साथ ही राशि रत्न और चांदी और सोने के भगवान और पूजा सामग्री उपलब्ध है। साथ ही अन्य जानकारी इस दौरान रोकड़े परिवार की ओर से साझा की गई। शहर का सुप्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर जो है अपना पांचवा प्रतिष्ठान जो है कोराड़ी में ओपन करने जा रहा है। हमारे साथ रोकड़े ज्वेलर्स के राजेश रोकड़े हैं, उनसे हम जानते हैं कि सर क्या बताओगे, पांचवी पीढ़ी है और पांचवा प्रतिष्ठान जो है कोराड़ी में आप ओपन करने जा रहे हो, क्या बताओगे, क्या उद्देश्य है? क्योंकि हम देखते हैं कि नागपुर में जो है आपकी ब्रांचेस है और वहाँ पे जो है पूरे विदर्भ ही नहीं, एमपी से भी यहाँ लोग आते हैं, पूरे मतलब विदर्भ से लोग यहाँ आते हैं। अब कोराड़ी में जो आप यहाँ अपना पांचवा प्रतिष्ठान ओपन कर रहे हो, तो क्या बताओगे आसपास के लोगों को, क्या अपील करना चाहोगे? हम लोग अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझते हैं और कोराड़ी में माँ जगदम्बा का देवस्थान है और उस देवस्थान के पास एक रोकड़े ज्वेलर्स की ब्रांच आना ये सही में एक सौभाग्य है। मैं मतलब वैसे देखा जाए तो कोराड़ी से हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्राहक हमसे पहले से ही आते हैं और उन्हीं के कारण जब हम यहाँ जब जब आते थे तो एक जुड़ाव सा महसूस हुआ और यहाँ पे जब उनकी डिमांड थी कि हमारा आउटलेट यहाँ पे खुले, इस वजह से हम लोग वैसे भी यहाँ पे देख ही रहे थे अच्छी कोई जगह और यहाँ पे हमें एक बेहद अच्छी जगह यहाँ पे मिल गई है नॉर्थ स्टार के जस्ट बाजू में, जहाँ हल्दीराम का भी एक आउटलेट है, तो एक अच्छी पार्किंग वाली जगह, एक 2000 स्क्वायर फीट की जगह हमें उपलब्ध हो गई है और ये जगह में शोरूम इसलिए भी हमें उत्साहित कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसके आजू बाजू पाटन सावंगी है, सावनेर है, सौंसर है, छिंदवाड़ा तक के लोग यहाँ से नागपुर जाना आना ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे बैंक्वेट हॉल भी एक नॉर्थ स्टार है, तो यहाँ पे भी काफ़ी शादियाँ होती है, तो फुटफॉल की कमी नहीं है यहाँ और जहाँ फुटफॉल है निश्चित तौर पर वहाँ मार्केट बनता ही बनता है। और हल्दीराम जैसे ब्रांड के बाजू में अपना एक ब्रांड रोकड़े ज्वेलर्स का खुलना हम अपने आप को काफ़ी प्रभावशाली, भाग्यशाली दोनों समझते हैं, तो इसके लिए मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के लोगों के साथ साथ पूरे विदर्भ के लोगों ने रोकड़े ज्वेलर्स को एक फेवरेट ज्वेलर्स बनाया, ये श्रेय मैं आप सभी को देता हूँ। हम देखते हैं कि ये जो परिसर है कोराड़ी और कोराड़ी के आसपास जो है किसान बहुल ये क्षेत्र है, यहाँ से किसान जो है, किसानों यहाँ के मध्यम वर्ग जो है, इनका एक सोच होती है कि हम छोटे दुकानों में जाते हैं तो हमें ट्रस्ट भी मिलेगा और एक उनका रहता है कि हमें किफ़ायती दामों में सोना मिल सकता है, तो रोकड़े ज्वेलर्स ये सोच कैसे बदलेगा? अभी कैसा हो गया है, पूरा परिवर्तन संसार का नियम है। पहले क्या होता था कि लोगों को ये लगता था कि छोटे दुकानों में सस्ता मिलेगा, बड़े दुकानों में महंगा मिलेगा, लेकिन वो सोच अभी धीरे धीरे बदलती आ रही है क्योंकि अभी क्या हो रहा था, जितने भी युवा है, बड़े जो बुजुर्ग है, वो सब शहरों की तरफ जाते थे अगर ज़्यादा बड़ी ज्वेलरी खरीदनी हो तो, और छोटी ज्वेलरी खरीदनी हो तो वहीं गांव से आसपास से खरीदते थे, तो हम खुद उनके पास खुद पहुंच गए। और रही बात स्टैंडर्ड की और क्वालिटी की और रेट की, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन आ गया है कि एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड जो हमें फॉलो करना चाहिए वो सब फॉलो हम कर रहे हैं और इसी के वजह से जो रेट हमारे नागपुर में वही रेट में अगर आपके पास कोराड़ी जैसे क्षेत्र में अगर उसी रेट में अगर ज्वेलरी मिल रही है तो कोई भी चाहेगा कि मैं मेरे घर के पास से ज्वेलरी खरीदूँ क्योंकि
यहाँ से उनको इतना ट्रैवल करना ये काफ़ी कठिन होता था, और इस क्षेत्र में ज़्यादातर महिलाएं खरीदारी करती है, तो उनको यहाँ से इतवारी क्षेत्र में जाना या और भी महल क्षेत्र में हमारे जहाँ शोरूम है या लक्ष्मीनगर में हमारे तीसरा शोरूम वहाँ है या एयरपोर्ट जाना, तो उनको काफ़ी लंबा पड़ता था। तो ये उनको पार्किंग के लहजे से भी समझिए या फिर उनके घर के पास जल्दी से जाना आना करना, ये हमारे उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होने के कारण वो इसे पसंद कर रहे हैं। और जब से हॉलमार्क आ गया उस वजह से स्टैंडर्डाइजेशन तो हो ही गया इस इंडस्ट्री में, इसलिए कहीं पर भी जो ग्राहकों को शंका कुशंका थी कि छोटे दुकान और बड़े दुकान का वो जो अंतर था वो करीब करीब समाप्त हो गया। और रोकड़े ज्वेलर्स नो डाउट सर्विस क्वालिटी क्वांटिटी के लिए फेमस है, तो वो जो वर्ल्ड क्लास सर्विस है वो जो हम बाकी शोरूम में दे रहे हैं वो आप डोर स्टेप कोराड़ी में भी मिलेगी। और अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे लुभावने ऑफर्स के साथ साथ उनके कनेक्ट होने के पूरे 360 डिग्री हम लोग काम करने वाले, इसलिए मुझे पूरा 100% विश्वास है कि यहाँ के लोग हमें जैसे पहले सपोर्ट कर रहे थे आगे भी सपोर्ट करेंगे। अगला सवाल मेरा सारंग सर से है। सारंग सर, क्या अपील करोगे आप, ये पांचवा प्रतिष्ठान यहाँ कोराड़ी में होने जा रहा है, क्या बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा पांचवा प्रतिष्ठान कोराड़ी में आ रहा है। वैसे भी ये देवभूमि है, यहाँ हमने इसके पहले भी बहुत काम कर चुके हैं। कोराड़ी मंदिर में जो भी चांदी का वर्क हुआ है वो हमारे हाथ से हुआ है, उसी की तरह आई के जो प्रति ऑर्नामेंट्स है, दागिने हैं, वो हमने ही बनाए हैं। अभी हाल ही में त्रिशूल तलवार चांदी का, चांदी के चरण पादुका जो कोराड़ी मंदिर के अंदर स्थापित किया हुआ है वो हमारे माध्यम से हुआ है। इसी तरह पे शयन कक्ष में जो चांदी की मूर्ति है आई की, वो भी हमने ही बनाई हुई है। तो काम करने का अनुभव हमें पहले से यहाँ पे है, और हमारे पास जो कस्टमर है वो कोराडी महादुला सुरा देवी यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास आते थे, तो उनको दूर ना पड़े इसलिए हम ही यहाँ पे आ गए उनकी सुविधा में, ये हम लोग बोलना चाहेंगे। दो दिन ये उद्घाटन समारोह होगा, ये कैसे होगा, मतलब दो दिन का? बिल्कुल दो दिन का ये, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा ग्राहकी हम लोग को करने में तकलीफ जाती है, और ऐसे ग्राहक भी होते हैं जिनको एक ही दिन होना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये दो दिन का उद्घाटन है 13 और 14 तारीख को। और इसलिए हमारे माननीय खासदार नागपुर से नितिन गडकरी जी हमारे लाडले खासदार और केंद्रीय मंत्री भी है, और उनका सहयोग ऑलवेज रहा है यहाँ के व्यापार को बढ़े, यहाँ के उद्योग को बढ़े, इसलिए इसके पहले भी उन्होंने हमारे एक शोरूम का लक्ष्मी का उद्घाटन उन्होंने ही किया था, तो इस बार भी उन्हीं को हमने विनती की है। उन्होंने समय अभी कल तय करने का उन्होंने बोला है, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के चंद्रशेखर बावनकुले जी उन्होंने ही हमें समय दिया है, और वो उन्हीं के हाथों इसका उद्घाटन होने वाला है। इसमें प्रमुख उपस्थिति हमारे यहाँ के विधायक जी है टेकचंद जी सावरकर, वो रहने वाले हैं। तो यहाँ के सभी लोगों ने जो सपोर्ट किया उसके लिए मैं तहे दिल से रोकड़े परिवार की ओर से, रोकड़े मैनेजमेंट टीम की ओर से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मीडिया ने भी इसे जन जन तक पहुंचा उसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो हमने देखा कि रोकड़े ज्वेलर जो शहर का प्रसिद्ध ज्वेलर्स है वो अपना पांचवा प्रतिष्ठान जो है कोराड़ी में ओपन करने जा रहा है, और अपील भी की है कोराड़ी वासियों से और आसपास के परिसर वासियों से कि आपको अब ज्वेलरी के लिए रोकड़े में नागपुर ना आते हुए आपको कोराड़ी में ही वही ज्वेलरी जो है आप ले सकते हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।